बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मूल प्रत्याशी थे उनका टिकट काट के कानपुर से प्रत्याशी आयात किया गया, वो कैडर वोट पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो प्रत्याशी खाली उनका नाम ऐसे दिया गया था, बहन जी ने उनको प्रत्याशी बना के यहाँ से भेजा है, इमरान बिन जफर को, तो ये कन्नौज के ही पुराने रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले थे, ये कानपुर में रहते हैं, इनका बिजनेस। एक आखिरी सवाल, 2009 में ये प्रत्याशी भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। एक आखिरी सवाल है, शॉर्ट में जवाब चाहूँगा, पिछले चुनाव में गठबंधन से में कन्नौज की सीट समाजवादी पार्टी के पास, गठबंधन जब जब हुआ, नहीं नहीं, मेरा बहन जी को नुकसान, मेरा सवाल ये है, इसमें गठबंधन से बसपा का वोट सपा और बीजेपी दोनों को ट्रांसफर हो रहा है, इस बार कैडर वोट बचाने की क्या जंग होगी? कैडर वोट बहन जी के साथ में है, मुस्लिम समाज बहन जी के साथ में है, पश्चिमी यूपी प्रदेश में बहन जी का बहुत अच्छा लड़ती आ रही है, 8 सीटों पे जो पिछला चुनाव हुआ बहुत अच्छा हुआ है। इमरोज भाई, कल जब हम शाम को आपसे बात कर रहे थे, आप काफी मुखर रहते हैं अपनी बातों को लेकर, आप कन्नौज का चुनाव कैसे देख रहे हैं? कन्नौज का चुनाव जो है अखिलेश यादव जी जो है 2,00,000 वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन क्या त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है जैसे कि आपके मित्र कह रहे हैं, अगर कोई भी कहीं भी नहीं लग रहा है, एक तरफा जीत रहे हैं अखिलेश जी जो है 2,00,000 वोटों से। सुब्रत पाठक इनकम्बेंट कितनी टक्कर देते दिख रहे हैं आपको? उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो 30 मान के चलो, 70-30 का मुकाबला है। 70 कौन, सुब्रत पाठक? नहीं, अखिलेश यादव। ठीक है जी, आपका शुभ नाम सर, क्या देख रहे हैं कन्नौज? मिश्रा जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव पाठक जी और अखिलेश जी की टक्कर है। आप जीतेगा कौन? जीत तो क्लियर नहीं बता सकते, पर लेकिन टक्कर है दोनों की, और जबरदस्त टक्कर है। आपका वोट किसको होगा? अब हमारा वोट तो समय बताएगा किसको होगा। आप काफी डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहे। आपका शुभ नाम? शान मोहम्मद। अशान भाई, किसको वोट देने का मन बनाया है, मुद्दे क्या है, कन्नौज कहाँ है, कन्नौज के आम आदमी के मुद्दे कहाँ हैं? देखिए, दो बातें यहाँ है, अभी तक पाठक जी से 5 बातें पूछी गई थी कि 5 अपने कार्यकाल में 5 कार गिना दीजिए, उसमें 5 में से 1 कार नहीं गिना पाए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है पाठक जी सिर्फ यहाँ गुंडागर्दी करने के अलावा उन्होंने दूसरा काम ही नहीं किया है। तीसरी बात, यहाँ पे कम से कम इनका कोई भी मुकाबला नहीं है, और जो जनता मांग रही है कि आप सांसद जी हाजिर हों, तो उसका भी एक जवाब नहीं दे पा रहे बीजेपी वाले। अच्छा, एक सवाल, चूंकि आप यंग हैं तो आप जवाब दीजिए, पिछली बार डिंपल यादव यहाँ बहुत नज़दीकी मुकाबले में हार गई थी, ऐसी क्या नाराज़गी थी कि डिंपल यादव हार गई थी? मुलायम जी की सीट थी ये, उसमें आपसी मतभेद थे पार्टी में, तो इस बार जब कुछ ऐसा मतभेद नहीं, सब इकट्ठा है, सब एकजुट है, इसी जगह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, एक तरफा चुनाव होगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम रिंकू है। रिंकू जी, क्या देख रहे हैं कन्नौज का चुनाव? देख रहे हैं जो कन्नौज का विकास करेगा, मेरा वोट उसको जाएगा, और मेरे ख्याल से इन 5 सालों में विकास के नाम पे कन्नौज में कुछ भी नहीं हुआ है, एक गली नहीं बनी है। मेरा वोट विकास को, मेरा वोट अखिलेश को। आपका शुभ नाम? शानू जी, क्या मन बनाया है राजनीति? कन्नौज में सबसे दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है सेंट्रल यूपी का, कहाँ है आपका मन, क्या सोच रहे हैं आप? अखिलेश जी उन्हीं ने ही विकास कराया, उन्हीं का विकास दिखता है, बाकी तो कुछ दिखा नहीं। 2019 में डिंपल यादव कैसे आ रही? आपके भाई ने जवाब दिया कि पार्टी में मतभेद थे, तमाम वो बात सही है, कुछ गलतियां हुई थी जो अब नहीं होगी, अखिलेश जी जीतेंगे अपनी। कन्नौज के आम आदमी के मुद्दे कहाँ है? मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है, ढंग से इलाज नहीं होता है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं हैं कन्नौज का, और काफ़ी विकास का अखिलेश जी ने कर रखा है, उसके काम अभी भी रुके हुए हैं जो इस गवर्नमेंट में नहीं हो पाए हैं, अब आगे होंगे, अखिलेश जी जीतेंगे, काम आगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब अपील करते हैं तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वो विश्वास कन्नौज में अभी तक क्यों नहीं पहुँच पाया? नहीं दिख रहा। आपको क्या वजह लगती है उसकी? वजह हम आपको क्या बताएं, लेकिन कुछ दिखता नहीं है, सबका साथ वाला सीन है नहीं। मंगलसूत्र दिख रहा है। देश के लिए जो है बहुत ही वो है, हमारे देश को गड्ढे में डाला जा रहा है, और मतलब जो है ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो खाली लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और जो है विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। 2014 से 2024 तक अभी तक कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं, खाली जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है।